दोस्तों ये रिश्ता क्या कहलाता है, लंबे समय से अपनी परंपरा को बरकरार बनाए हुए है, तभी तो ये शो करीब 12 सालों से दर्शकों को एंटरटेन करते हुए नजर आ रहा है। जहां इस बार शो की कहानी और शो का पूरा भार उठा रहे हैं अभिनेता हर्षद चोपड़ा, जो कि अभिमन्यु के किरदार में बिल्कुल फिट बैठे हैं, और इसी वजह से दर्शक इनके हर एक शो की तरह इसकी भी काफी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप अभिनेता हर्षद चोपड़ा के बारे में तो सब कुछ जानते होंगे, पर क्या आप इनके रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानते हैं कि ये क्या करते हैं, इनके फैमिली में कितने मेंबर हैं और वो सभी कैसे दिखते हैं? शायद नहीं जानते होंगे, इसलिए आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं हर्षद चोपड़ा की रियल लाइफ फैमिली से रूबरू कराकर। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, पर उससे पहले आप इस टैलेंटेड और हैंडसम अभिनेता के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु की भूमिका निभाने वाले अभिनेता हर्षद चोपड़ा महाराष्ट्र के एक मारवाड़ी जैन परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिनके परिवार में कुल मिलाकर 4 सदस्य हैं, जिनमें ये इनके माता पिता और बहन शामिल है। बात की जाए इनके इसी परिवार की तो बता दें इनका ये परिवार शुरू होता है इनके घर के मुख्य सदस्य यानी कि इनके पिता से, जिनका नाम प्रकाश चोपड़ा है, जो कि प्रोफेशन से एक इंजीनियर हैं, पर वर्तमान में इनके पिता रिटायर हो चुके हैं और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से उनकी कई तस्वीरें भी देखने को मिल जाती हैं, जिनमें इन दोनों के बीच में काफी अच्छा बॉन्ड देखने को मिलता है। पिता के बाद बात करें इनकी मदर के बारे में तो आपको बता दें हर्षद चोपड़ा की मदर लाइमलाइट में रहने की ज्यादा शौकीन नहीं है, इसलिए उनकी ज्यादा तस्वीरें देखने को नहीं मिलती है, पर बताया जाता है कि इनकी मदर प्रोफेशन से एक होममेकर हैं, जो कि लाइमलाइट से दूर अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त रहती है। माता पिता के बाद अब बात करें इनकी बहन के बारे में तो आपको बता दें हर्षद चोपड़ा की एक छोटी बहन है जिनका नाम हर्षा चोपड़ा है। आपको बता दें कि हर्षद चोपड़ा की बहन प्रोफेशन से एक आर्टिस्ट और एक एंटरप्रेन्योर है, जिसकी वजह से अपने भाई की तरह ये भी काफी टैलेंटेड और सफल है। वहीं बात करें इन दोनों के बॉन्ड की तो बता दें दोनों भाई बहन एक दूसरे से काफी क्लोज हैं, जो कि एक दूसरे के साथ भाई बहन के रिश्ते के साथ साथ एक दोस्ती का रिश्ता भी शेयर करते हैं, जो कि इनकी कई तस्वीरों में देखने को मिल जाता है। अब बात की जाए हर्षद चोपड़ा के लव अफेयर्स के बारे में तो बता दें यूं तो हर्षद चोपड़ा वर्तमान में सिंगल है, पर एक समय ये अपने लव अफेयर्स को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में रहे हैं, जहां अपने शो सौभाग्यवती भवा में काम करने के दौरान ये अपनी को स्टार श्रुति झा के काफी ज्यादा क्लोज हो गए थे, जहां दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट भी किया, पर अफसोस जहां इन्होंने श्रुति झा से सच्चा प्यार किया तो वहीं श्रुति झा ने इन्हें धोखा देते हुए इनके ही करीबी दोस्त कुणाल करण कपूर का हाथ थाम लिया, जिसके चलते श्रुति झा के साथ इनका रिश्ता सपने की तरह अधूरा रह गया, जिसके बाद इनकी जिंदगी में दस्तक दी जेनिफर विंगेट ने, जिसके साथ इन्होंने बेपनाह सीरियल में काम किया था, जहाँ शो में के बीच की रोमांटिक केमिस्ट्री रियल लाइफ में भी इन दोनों को करीब ले आई थी। इसी वजह से हर कोई इन दोनों की शादी की उम्मीद लगा रहा था, पर अफसोस इनका ये रिश्ता भी चल ना सका और इसी वजह से आज ये सिंगल है। तो दोस्तों आप हर्षद चोपड़ा की रियल लाइफ फैमिली के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।